Hey, what's up guys? This is Manjit and welcome back to my another video. So guys, most of the dog speed की इस सीरीज में आज बात करने वाले रोड वेदर के बारे में। वैसे पिछले कुछ दिनों में इस स्पीड के मैं काफी सारी वीडियो डाल चुका हूँ क्योंकि लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई स्पीड को बैन कर दिया गया, लेकिन भाई आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि सरकार के इस फैसले पर कुछ सिटीज में स्टे लगना भी स्टार्ट हो गया, जो कि हम डॉग लवर्स के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भाई किसी एक डॉग के काटने से पूरी ब्रीड को बैन करना कहाँ की अकलमंदी है। तो अगर आप लोग रोड वेलर लवर्स हैं और आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का रोड वेलर परचेज करना चाहते हो तो भाई डॉग आप लोगों के सामने है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि उधर के पास ये सिंगल मेल पपी अवेलेबल है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कलर आप लोग देख ही रहे हैं काफी डार्क है, एंड पपी जो है ना ये बहुत ही एक्टिव है। बाकी हाँ, एक सलाह आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि किसी भी ब्रीड को परचेज करने से पहले आप लोग ये देख लें कि क्या आप लोग उस ब्रीड को रखने के लिए कैपेबल हैं या फिर नहीं, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं भाई अग्रेसिव डॉग ब्रीड को परचेज तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनके साथ स्पेंड कर सके, उन्हें सोशलाइज और ट्रेन कर सके, और इसी वजह से डॉग्स जो है ना वो अग्रेसिव हो जाते हैं। और इसका अगर एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक पिटबुल ने अपनी फीमेल ओनर को मार दिया था, तो इसके बाद पिटबुल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे, उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन भाई उसके लड़के का कहना था कि मेरा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं अपने पिटबुल को कभी बाहर ही नहीं ले जा पाया उसे वॉक एंड एक्सरसाइज कराने के लिए। तो भाई ऑब्वियसली अगर किसी भी डॉग ब्रीड को आप लोग कहीं पर बांध के रखोगे, एक जगह पर रखोगे ना, तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, अग्रेशन आ जाएगा, तो ये चीज आप को हमेशा समझनी पड़ेगी। तो हमेशा अपने डॉग्स की रिक्वायरमेंट समझे कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, उसके हिसाब से आप लोग उन्हें ट्रेन करें। वैसे ये जो पिटबुल है ना भाई, क्वालिटी के साथ साथ इसकी एज भी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, ये 2 मंथ्स का हो चुका है, उन्होंने वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करवा रखी है, और परचेज करने के बाद आप लोग इसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। और पपी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी हो गया है, तो इसे पता है कि कहां पर सुसु पोटी करना है और कहां पर नहीं। बाकी इसके बारे में आप लोगों को और कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो पेरेंट्स की फोटो वीडियोज है वो ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे। वैसे मदर तो आप लोगों को इसके साथ में दिखी रही होगी जो कि इसके पीछे है, लेकिन उसे लाइव देखने के लिए आप लोग ओनर को वीडियो कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि ओनर के होम ब्रीडिंग के बच्चे हैं, वो कोई प्रोफेशनल ब्रीडर नहीं है, इन्होंने शौक के लिए रखे हैं, तो जब उनके बच्चे होते हैं तो वो सेल के लिए आ जाते हैं। बाकी अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पपी का प्राइस आप लोगों को कितना पसंद आता है, तो एज तो मैं आप लोगों को इसके ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अगर बात करें लोकेशन के बारे में तो ओनर की जो लोकेशन है वो है लक्ष्मी नगर दिल्ली NCR से, एंड डिलीवरी में आप लोगों को ज्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, ओनर आसपास के एरियाज में तो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अगर आप लोग आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली ओनर को विजिट करके इसे परचेज करना होगा। और सही भी है, डायरेक्ट अगर आप लोग इसकी अच्छे से क्वालिटी देख सकते हो, क्योंकि फोटो वीडियोस में देखना और डायरेक्ट देखने में काफी फर्क होता है। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो पपी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है भाई वो किए 15,000 रुपीज, यानी 15,000 रुपए। लेकिन दोस्तों प्राइस फिक्स नहीं है, बारगेनिंग करके प्राइस कम भी करा सकते हो। वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।